जिला कांगड़ा के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी हरनोटा पंचायत के जियोर गांव के निवासी को पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए कल उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को आज पुलिस ने एसएचओ सुरेश शर्मा के नेतृत्व में जवाली न्यायालय में पेश किया, जहां सिविल न्यायाधीश अनीता शर्मा ने आरोपी को 4 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया है। ज्ञात रहे कि उक्त घटना सामने आते ही एएसपी का कार्यभार देख रहे डीआईजी संतोष पटियाला व डीएसपी जवाली ज्ञानचंद के दिशा निर्देश पर पुलिस थाना फतेहपुर के एएसआई कुलदीप कुमारे, हेड कांस्टेबल रवि सहित अन्य ने थाना प्रभारी सुरेश शर्मा की अगुवाही में टीम का गठन किया और दुष्कर्म के आरोपी को धर दबोचने में सफलता हासिल की। डीएसपी ज्ञानचंद ठाकुर के अनुसार थाना क्षेत्र के एक नाबालिग ने बुधवार देर शाम थाना में आकर शिकायत दर्ज करवाई थी कि तहसील जवाली के एक युवक ने उससे शारीरिक संबंध बनाए हैं। पीड़िता ने कहा कि आरोपी उसे जालंधर ले गया था, जहां उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए गए। इसके बाद आरोपी उसे फतेहपुर के समीप छोड़ गया। शिकायत के उपरांत पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसके घर के समीप धर दबोचा। डीएसपी जवाली ज्ञानचंद ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने धारा 376, 363, 366 व पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ये है कि ये घटना जो घटी है अपने फतेहपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत है, जिसमें कि ये जितेंद्र कुमार उर्फ काकू पुत्र स्वर्गीय श्री बलवंत सिंह निवासी गांव जियोर डाखाना हरनोटा तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा का रहने वाला है और ये 25 साल इसकी उम्र है और ये लड़की को मुलजिया भगा के ले गया और जिसमें कि थाना फतेहपुर में अंडर सेक्शन 363-366 आईपीसी में मुकदमा दर्ज हुआ और जैसे ही मतलब उसका वो पीछा किया गया तलाश जारी रखी और हमारे वहाँ पर जो है जो थाना प्रभारी है सुरेश जी शर्मा, उन्होंने बड़े चतुरता के साथ मतलब जो कार्य किया और उसको लड़की को विश्वास में लेकर और उसे थाना में मतलब जो उसे मतलब तरीके से अपने को उसको वापस मिला लिया और उसमें पुलिस ने कामजा भी हासिल की, जिसमें कि मुख्य कार्य जो है वो सुरेश शर्मा का रहा है एसएचओ का और उसकी टीम का और उन्होंने बड़ी ही मतलब चतुराई से इस कार्य को अंजाम दिया और उसके बाद जो है जैसे ही मुलजम जो है मतलब उसको भी आवाज नहीं होने दिया कि क्या हो गया है और क्या हुआ अभी तक, तो उसके बाद जैसे ही मुलजम जो है वो अपने घर की ओर आता है तो मतलब वो उसे भी उन्होंने दबोच लिया क्योंकि उसको ये आवाज था कि लड़की ने कोई कंप्लेंट नहीं की भाई और उसे उन्होंने इस तरीके से दबोचा, हालांकि वो बुरी तरह से अपनी तैयारी में और प्राग भागने की तैयारी में था लेकिन उसमें कामयाब भी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ये कामयाबी हासिल की है क्योंकि ये जो दिशा निर्देश है हमारे जो एसपी कांगड़ा संतोष पटियाल जी जो डीआईजी हैं हमारे, तो उनके जो मार्गदर्शन है या जो उनकी गाइडलाइन और जो लॉ में प्रोविजन है उसके अनुसार जो है पुलिस जो है पूरी मुस्तैदी के साथ है और इस उसके बाद जो है उसके ऊपर जो है लड़की का जो है 164 का बयान करवाया गया, जिसमें कि उसने बताया कि उसने मेरे साथ जिसम अन्य जो संबंध स्थापित किए हैं, मेरे साथ रेप हुआ है, तो उसमें जो है हम लोगों ने जो है जो एसएचओ को इसमें जो है बाद में जो है 376 आयत की गई तारा और साथ में सेक्शन 4 जो है पोस्को एक्ट की उसे भी लगाया गया और उसके तहत उसे गिरफ्तार किया गया और वो 24 घंटे के अंदर पुलिस ने जो सारी कार्रवाई को अंजाम दिया और उसे जो है पेश अदालत किया था और उसे 4 दिन का जो पुलिस रिमांड मिला है, तो बाकी जो कार्रवाई है वो बिल्कुल जारी है।